हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। आज दी जो अपनी लाइव क्लास है, इन दे विच आपां क्लास 6 लई चैप्टर डेटा हैंडलिंग डिस्कस करन जा रहे हैं। डेटा हैंडलिंग दी फर्स्ट एक्सरसाइज दा पहला क्वेश्चन आपां करन जा रहे हैं। क्वेश्चन की कह रहा है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपां कुछ डेटा गिवन है, आपां इहदा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाउणा है। फ्रीक्वेंसी दा मतलब की हुंदा? फ्रीक्वेंसी दा मतलब कोई चीज किन्नी वार आई है। जिवें अपने कोल देखो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 4 भी है। ठीक है, आपां ये देखना 4 किन्नी बार आया, 5 किन्नी बार आया, 6 किन्नी बार आया, 7, 8 ते 9 किन्नी बार आए। एक आपां इत्थे स्पैशल चीज यूज करनी है, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स तुसीं पहलां छोटियां क्लासां दे विच ही पढ़ चुके हो। टैली मार्क्स दे विच की करदे आं आपां? किसे चीज नूं लिखण दा ईजी वे आ। ओके, आपां इस तरह लाइनां लगाउणे आ, इस तरह लाइनां लगाउणे आ 4, उस तो बाद 5th नूं की करदे आपां? क्रॉस करदे। इस तरह लिखदे आपां। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 5, 6, 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 29 ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਟੋਟਲ। 29 ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 4 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? 9 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ओके, पहला आ गया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की है 4 है, 5 है, 6 आ रहा है, 7, 8 एंड 9। ये चीज आ गई अपने को। पहला आप लिखांगे ऑब्जर्वेशन केड़े केड़े नंबर अपने को ऊपर मौजूद है। पहला 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, लास्ट 9 है। उस तो बाद लिखांगे आप फ्रीकुएंसी। उस तो बाद लिखांगे आप फ्रीकुएंसी। फ्रीकुएंसी का मतलब 4 इतने किन्नी बार आ रहा है, जो अपन डेटा गिवन है 4 किन्नी बार आ रहा है, उस तो बाद 5 किन्नी बार आ रहा, 6, 7, 8 ते 9 इन्हां दी काउंटिंग किन्नी किन्नी बार है। ओके, ते लास्ट विच आपां लिखांगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स तुहानूं मैं ऑलरेडी दस चुका, पहला 4 आपां सिद्धियां लाइनां मारांगे, जो 5th लाइन है उहनूं आपां क्रॉस करांगे। 5-5 दा ग्रुप हुंदा टैली मार्क्स दे विच। ओके, किसे भी नंबर नूं लिखण दा ईजी वे अपने कोल टैली मार्क्स है। तां आपां स्टार्ट करदे आपणे क्वेश्चन दे नाल। सब तों पहलां आपां काउंट करदे आं 4 किन्नी बार आ रहा। देखो कन्फ्यूज़ नहीं होना, बुक दे विच जो तुहानूं नंबर गिवन है एक पेंसिल रखो, पेंसिल दे नाल सर्कल करते जाओ पहला 4 किन्नी बार आया। ओके, तो इस तरीके नाल तुसी ईजी वे नाल कर सकते हो। हुण देखो पहला मैं 4 काउंट कर रहा, इत्थे कोई 4 नहीं है, पहला 4 ये आ गया 1, उस तो बाद अगे कोई नहीं है, उस तो बाद 2 एंड एट लास्ट दैट इज अ 3। पूरे 29 नंबर 4 किन्नी बार है? 3 बार है। टैली मार्क्स आप एंड यूज करांगे। ओके, इन आप बाद लगावे। पहला आप 4 नू काउंट किया, किन्नी बार आ गया? 3 बार आ गया। 4 आ गया, हुण आपां काउंट करदे आं 5 नूं। हुण मैं 5 नूं काउंट कर रहा, पहला 4 वाल नूं मैं रफ कर दूंगा। ओके, तां कि मैनूं कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। तुसीं वी पेंसिल नाल जो सर्कल लगाओगे तां बाद विच उहनूं रफ कर दिओ, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना होवे। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन हैगे, ईजी है पर कन्फ्यूज़ बहुत करदे आ, कई वारी अपने कोल कोई काउंटिंग रह जाती है। हुण 5 काउंट करो, पहला आ गया, दूजा आ गया, उस तो बाद 3, उस तो बाद 4, उस तो बाद की आ गया 5, उस तो बाद आ गया 6। मतलब जो 5 है ना, किन्ने टाइम्स आ रहा? 6 टाइम्स आ रहा। 5 किन्ने टाइम्स आ रहा? 6 टाइम्स। तो इतने मैं लिखता 5 किन्नी बार आ गया? 6 टाइम्स। ओके, 5 किन्नी बार आ रहा? 6 बार आ रहा। ओके, 4 किन्नी बार आ रहा सी? 3 बार। हुण 5 किन्नी बार आ गया? 6 बार। हुण काउंट करना आपां 6 नूं, 6 किन्नी बार आ रहा। तो सब तो पहला देखो, मैं इतने रैड मार्कर यूज किया सी सर्कल की फॉर्म के। हुण मैं कोई होर शेप बनाऊंगा ताकि कन्फ्यूजन ना आवे। हुण 6, 1 मैं ट्रायंगल शेप बना रहा, 2 दैन इट इज 3, दैन इट इज 4, दैन इट इज 5 एंड लास्ट इज 6। 6 भी किन्नी बार आ गया? 6 बार आ गया। तुसीं डिफरेंट डिफरेंट शेप बना लिया करो। पहला चलो जो 4 थी उहनूं ब्लैक मार्कर यूज किया मैं, ठीक है। 5 दे लई की है मैं सर्कल यूज किए, 6 लिए मैं ट्रायंगल यूज कर रहा। तो 6 किन्ने टाइम्स आ गया मेरे को? 6 आ गया, 6 टाइम्स। ओके, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। हुण वारी आ गई मेरे को 7 की। 7 लिए मैं डिफरेंट यूज करूंगा कोई शेप। मैं किया थले अंडरलाइन करता, 1, 2, 3, दैन इट इज 4, इट इज 5, 6। ये भी किन्नी बार आ रहा? 6 बार आ रहा। जो मेरे को 7 है, ये भी कितनी बार आ गया? 6 बार आ गया। 4 3 टाइम्स, 5 6 टाइम्स, 6 6 टाइम्स एंड 7 6 टाइम्स।
सैवन तक हो गए, हुण वारी आ गई मेरे को एट की। एट लिए कोई डिफरेंट यूज करते हैं, आप कटिंग करते हैं इस तरह, क्रॉस वन क्रॉस एंड दैन टू क्रॉस एंड थ्री क्रॉस। किन्नी बार आ रहा है एट, किन्नी बार आ रहा है थ्री बार। ओके एट मेरे को किन्नी बार आ गया, थ्री बार आ गया। ओके इस तरह काउंट करते हैं तुम हरेक चीज न। हम देखो सारे तो डिफरेंट डिफरेंट हो गए, हम आ गई नाइन की बारी। नाइन ली मैं कुछ और यूज कर दा, नाइन ली मैं की यूज कर रहा, इस तरह मैं रैक्टेंगल बनाती एक, उस तो बाद दो, उस तो बाद की आ गया तीन, उस तो बाद की आ गया चार, ते लास्ट विच की आ गया पांच। तो मेरे को नाइन कितनी बार आ रहा है, पांच बार आ रहा है। ठीक है नाइन कितनी बार आ गया, पांच बार आ गया। जो बाकी बच गए देखो सारे कवर हो गए, हर एक चीज कवर होगी ना, फोर रह गया सी, फोर आप ब्लैक मार्कर नाला यूज किया सी। चलो इनू क्यों नाराज करिए, इन उपर भी आप लिख ही देने वन टू एंड थ्री। देखो सारे हो गए ना ए टू जेड, सारे कवर हो गए। हुण अपने की चेक करना सही बने या गलत बने, हुण सही या गलत का फैसला किवें होगा, इन्हों काउंट करो। जे तो 29 हो गए दैट मीन सही है, अदरवाइज ये की है गलत है। थ्री ते सिक्स नाइन, नाइन ते सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन ते सिक्स किन्ने हो गए अपने को 21, 21 ते थ्री किन्ने हो गए 24, 24 ते फाइव किन्ना आ गया 29। मेरे को टोटल कितना आ गया 29, इतने भी टोटल 29 है, दैट मीनस मेरी काउंटिंग बिल्कुल सही गई है। ओके जो मेरी काउंटिंग है बिल्कुल सही गई है, मैं सारे नु काउंट किया बिल्कुल की आ गए सही आ गए। ओके फोर किन्ने टाइम्स आ गया, थ्री फाइव सिक्स, सिक्स वी सिक्स, सैवन नु सिक्स, एट थ्री टाइम्स, ते नाइन किन्ने टाइम्स आ गया, फाइव टाइम्स। ए हो गया, हुण मैं की करना है टैली मार्क्स यूज करने हैं। तो टैली मार्क्स लिए पहली चार लाइना सीधियां, उस तो बाद एक टेढ़ी, एक किन्ने थ्री है तो तीन ही लैना मैंने यूज करनी है, तीन आ गया। और नैक्सट की आ गया सिक्स आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह टेढ़ी जाएगी। उस तो बाद की आ गया अगे सिक्स आ गया। ओके तुम पिछलिया क्लासा के पढ़ चुके हो टैली मार्क्स को किवें रीप्रजेंट करना है। अगेन सिक्स आ गया, वन टू थ्री फोर, ए फाइव आ गया, तो लास्ट में फिर की आ गया सिक्स आ गया। ओके पहला फाइव करांगे, उस तो बाद सिक्स नू की करांगे अलग करांगे। अगेन सिक्स है, वन टू थ्री फोर, ए की आ गया फाइव, तो लास्ट में की आ गया सिक्स आ गया, ये चीज आ गई। उस तो बाद एट की है थ्री टाइम्स, वन टू एंड थ्री, थ्री टाइम्स आ गया अपने को। नाइन की है फाइव टाइम्स है, वन टू थ्री फोर, फिफ्थ नू आपां की लिखता क्रॉस लिखता। ओके फिफ्थ अपने को आ गया क्रॉस आ गया, ये चीज आ गई अपने को। पहला आप ऑब्जरवेशन लिखे केड़े केड़े नंबर हैं, फोर फाइव सिक्स सैवन एट से नाइन। उस तो बाद लिखी फ्रीकुएंसी, फ्रीकुएंसी का मतलब क्या है, कोई नंबर किन्नी बार आ रहा, जिम्मे फोर तीन बार आ रहा, पांच छे बार आ रहा, छे छे बार आ रहा, सत्त भी छे बार आ रहा, अठ तीन बार आ रहा, नौ पांच बार आ रहा। उस तो बाद बनाने टैली मार्क्स, टैली मार्क्स की होंगे किसी डेटा नु ईजली रीप्रजेंट करने का फॉर्मूला होंगे। ओके जिम्मे आप पता पांच एक आ गया छे आ गया, तो पहला आप चार लाइना सीधियां लगानी है, फिफ्थ आप लगानी है क्रॉस लगानी है। ओके तो यह अपने को टैली मार्क्स भी बन गया, फ्रीकुएंसी वाला भी बन गया, ऑब्जरवेशन भी बन गया। ठीक है तेन आप टोटल की कहने फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आप हरेक चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता वंडता, उपर सारे इकट्ठे पे ने थले आपू किया अलग अलग करता। ओके फोर्थ क्लास किन्ने बच्चे आ, थ्री, फिफ्थ क्लास सिक्स, सिक्स दे सिक्स, सैवन च सिक्स, एट वे थ्री, नाइन में फाइव, टोटल किन्ने बच्चे मेरे को 29, मेरे ट्यूशन सेंटर के टोटल 29 है। ठीक है तो कितना अपने को आंसर आ गया 29 आ गया, तो समझ आ गया होना मैंने, पूरी उम्मीद है तुम्हें पूरा क्वेश्चन चंगी तरह समझ आ गया। जेकर समझ आ गया तो वीडियो नू लाइक जरूर करना है। नेक्स्ट करने आप क्वेश्चन नंबर सेकंड इन द सेकंड पार्ट। ओके नेक्स्ट है फर्स्ट द सेकंड पार्ट, आप सेम करना है फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। सब तो पहला आप देखेंगे ऑब्जरवेशन की है अपने को, जब पहले ध्यान नाल देखिए, जा इन 50 नंबर आ रहा है, जा 100 आ रहा है, या 200 आ रहा है, तीन ही ऑब्जरवेशन आ रहे हैं ना, जा तो 50 वाला नंबर है, या 100 वाला, तो या 200 वाला। तो सब तो पहला आप लिखांगे ऑब्जरवेशन, सब तो पहला आप लिखांगे ऑब्जरवेशन, ऑब्जरवेशन विच कौन है 50 है 100 है, तो उस तो बाद की आ गया 200। तीन तरह के ऑब्जरवेशन है, 50 वाला, 100 वाला, 200 वाला। उस तो बाद आ गया फ्रीकुएंसी, फ्रीकुएंसी आप काउंट करना है 50 वाले किन्ने आ, 100 वाले थे, 200 वाले। उस तो बाद आ गया टैली मार्क्स, उस तो बाद की आ गया टैली मार्क्स। हुण पहला आप सब तो पहला काउंटिंग करांगे टोटल नंबर किन्ने,
टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन सैवनटीन एटीन ते नाइनटीन, टोटल अपने को किन्ने आ 19 है, एक काउंट कर लिया करो, इन ईजी रहा क्वेश्चन दे विच। ओके कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होंगी, आप किन्ने सीगे किन्ने रह गए, ओके क्रिएट नहीं होंगी। हुण आपां पहला किया 50 वाले काउंट करने हैं, चलो पहला 50 वाले काउंट करते हैं। वन टू थ्री एंड फोर, उस तो बाद आ गया अपने को फाइव, उस तो बाद की आ गया सिक्स आ गए। मैं पहला 50 वाले काउंट किए, 50 वाले किन्ने आ गए मेरे को सिक्स आ गए, 50 वाले किन्ने आ गए सिक्स आ गए, पहला क्लियर है। उस तो बाद 100 वाले, 100 वाले किहड़े आ गए मेरे को, वन टू उस तो बाद थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, जदों मैं 100 वाले काउंट किए दैट इज अगेन सिक्स, ये भी मेरे को कितना आ गया सिक्स आ गया। 50 वाले भी सिक्स है, 100 वाले भी सिक्स है। हुण मैं काउंट करना 200 वाले नोट किन्ने मेरे को, आ मेरे को रुपए पे सी, ओके मैं काउंट कर रहा 50 वाले किन्ने नोट आ गए ते 100 वाले किन्ने नोट आ गए। हुण 200 वाले काउंट करने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, 200 वाले किन्ने आ सेवन है, 50 वाले छे आ, 100 वाले छे आ, 200 वाले सत्त है। ओके हुण चैक किवें करना है इन्हों ऐड करके देखो, सिक्स ते सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व ते सैवन किन्ने हो गए 19, ए भी 19 है ए भी 19 है, मेरा आंसर बिल्कुल सही गया। ओके उपर भी 19 19 है, मैं काउंट किए 19 है, इन्हों काउंट किया भी किन्ने 19 है। हुण मैं की बनाना है टैली मार्क्स बनाना है, तो टैली मार्क्स पहला सिक्स का बनाना है, वन टू थ्री फोर फिफ्थ क्रॉस में जाएगा एक ही आ गया सिक्स आ गया। ओके उस तो बाद सिक्स नू करो वन टू थ्री फोर फिफ्थ क्रॉस में, उस तो बाद की आ गया सिक्स आ गया। उस तो बाद सैवन नू काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सैवन। ओके टैली मार्क्स बनाना बहुत सौखा काम है, बस तुसी के चार लाइन सीधियां मारनी है, फिफ्थ क्रॉस करनी है, छेवीं फिर सीधी, सत्तवीं सीधी, अठवीं सीधी, नौवीं सीधी, दसवें फिर की करांगे क्रॉस करांगे। ओके तेंदे विच अपने को तीन ही ऑब्जरवेशन थी, पहला 50 वाला फिर 100 वाला फिर 200 वाला, तो आप जो काउंट किए 50 वाले 6 आए, 100 वाले 6 आए, 200 वाले 7 आ गए, टोटल कितने 19, ए भी 19 है इतने भी 19 है, दैट मीनस अपना आंसर क्या बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड की कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 25 कार्ड्स बॉट बाय मीरा आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। हुण आपां नूं उन्हें दस रखा है टोटल कार्ड्स कितने 25 है, ऑलरेडी उन्हें क्या रखा है टोटल कार्ड्स 25 है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। पहला आप ऑब्जरवेशन देखांगे की ऑब्जरवेशन है, ऑब्जरवेशन ऑब्जरवेशन सब तो पहला की आ गया 15, 15 तो बाद 20, 15 तो बाद की आ रहा है 20, 20 तो बाद 21, 21 भी है, 22 भी है, 22 तो बाद 23 नहीं है, 25 भी नहीं है, उस तो बाद की आ गया 27 ते लास्ट विच की आ गया 30 आ गया, लास्ट विच की आ गया 30 आ गया। अपने कोल किन्ने ऑब्जरवेशन है 6 है, 15 वाला है, 20 21 22 27 ते 30 वाला। हुण आपां काउंट करने हैं पहला 15 वाले किन्ने आ, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है आपां, उस तो बाद आपां काउंट करने हैं टैली मार्क्स, उस तो बाद काउंट करने आप टैली मार्क्स की है। ठीक है तो पहला फ्रीक्वेंसी काउंट करो 15 कितनी बार आ रहा है, वन टू देन इट इज थ्री, उस तो बाद की आ गया फोर एंड लास्ट फाइव, 15 कितनी बार आ रहा है फाइव बार आ रहा है। ओके पांच बार मेरे को की आ रहा है 15 आ रहा है। उस तो बाद चेक करो 20, वन टू थ्री फोर फाइव, 20 भी कितनी बार आ रहा है फाइव बार आ रहा है, पहला 15 काउंट किया फाइव बार, फिर 20 काउंट किया फाइव बार, उस तो बाद की आ गया मेरे को नेक्स्ट है 21, 21 जो आप देखिए तो सिंगल ही है। ओके ये अपने को ओनली सिंगल है, एक ही अपने को 21। ओके उस तो बाद की आ गया 22, 22 कितने अपने को वन टू थ्री उस तो बाद फोर,
22 किन्नी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। ओके काउंट कर लो, 22 किन्नी बार आ गया? 4 बार आ गया। उस तो बाद 27, 27 का आपा की लिख दिया, ट्रायंगल बना दिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 27 किन्नी बार आ गया? 5 बार आ गया। उस तो बाद की आ गया मेरे को 27 तो बाद 30, 30 रह गया ए, इनू भी ए लिखता, 2 बार हो गया, 3 बार। उस तो बाद 4 बार ते की आ गया, 5 बार। किन्नी बार आ गया? 5 बार। और किन्ना चिर आप कंफर्म नहीं कर सकते जिन्ना चिर ना सारे की काउंटिंग 25 नहीं बनती। तेनू ऐड कर दें, 5, 10, 11, 15, 20, 25 बन गया ना, बिल्कुल सही बनया 25। उन्हें भी 25 गया, मेरे भी 25 आ गए। हुण अपना की काम रह गया, टैली मार्क्स रह गए। टैली मार्क्स के विच किन्नी बार आ गया? 1, 2, 3, 4, 5th नू आपां ही करांगे क्रॉस करांगे, अगेन 5, 1, 2, 3, 4, 5th नू की करांगे क्रॉस करांगे। ए 1 है तो 1 बार आ गया, ए अपने कोल की है 4, चार सिद्धियां लेना ही आउणगियां, चार अपने को सिद्धियां लेना आउणगियां। उस तो बाद फिर की है 5, 1, 2, 3, 4, 5th नू की करांगे क्रॉस करांगे। लास्ट फिर 5 है, 1, 2, 3, 4, 5th आपां ही करांगे क्रॉस करांगे। ओके टैली मार्क्स में जरूर काउंट करना है, तुसी किन्नी किन्नी बार आ रहा है, 4 बार आ गया तो सीधियां लेना, 5th दे आपां की करांगे क्रॉस करांगे। ओके तो ऐसी अपने को क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दी मैं हिंट दे रहा, तुसी खुद कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दे विच की है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तैनू करना कि मैं तुसी, मैं तैनू ऑब्जरवेशन लिख देना। ओके ऑब्जरवेशन लिखदा मैं, तैनू करोगे किवें? देखो सब तो पहला ऑब्जरवेशन, थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेरे को की है, देखो इतने आप जो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ते 7, इतने केड़े केड़े डिजिट आ रहे हैं? 0 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ते 7 आ रहा है। हुण आप जहाँ फ्रीकुएंसी गिनी है, हुण आप इन्हों की फ्रीकुएंसी काउंट करते हैं, ठीक है? फ्रीकुएंसी 0 किन्नी बार आ रहा है? 0 आ रहा है अपने को 4 बार। 1 किन्नी बार आ रहा है? 6 बार। मैं ऑलरेडी काउंट करके रखे हुए हैं, ओके, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होएगा नहीं लाइव क्लास के विच, इसलिए तुसी खुद कर सकते हो। 0 4 बार है, 1 6 बार है, 2 किन्नी बार आ रहा है? 8। उस तो बाद 3 किन्नी बार आ रहा है मेरे को? 7। उस तो बाद 4 6 टाइम्स, 5 भी किन्नी बार आ रहा है? 7 टाइम्स, 6 5 टाइम्स ते किन्ना आ गया? 7। हुण जे आपां टोटल काउंट करिए, टोटल 50 है। ओके टोटल किन्ने बन रहे हैं? 50 बन रहा है, तो 50 आप चेक करांगे बने या नहीं। 10 18 25 25 37, उस तो बाद की आ गया 40, एक मिनट किन्ना आ गया? 10 18 25 25 तो बाद की आ गया अपने को 31 38, 38 से 12 किन्ना आ गया? 50 आ गया। ओके तो मेरे को किन्ने बन गए? 50 बन गए, सॉरी बाय काउंटिंग च मिस्टेक हो गई सी, तो मेरे को किन्ने बन गए? 50 बन गए। ओके लास्ट विच की बनाना आप, टैली मार्क्स बनाना, लास्ट विच की बनाना आप टैली मार्क्स। 4 का 1 2 3 ते 4, 6 का 1 2 3 4, 5th नू क्रॉस, उस तो बाद की आ गया? 6 आ गया। उस तो बाद 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 5 तक तो बनाने, 6वें नू अलग बनाना। ओके 7वां, 7 आ गया, 1 2 3 4 5th, उस तो बाद की आ गए? 2 अलग आ गए। ओके मैं जल्दी ता कर रहा क्योंकि टाइम घट है अपने को, क्लास खत्म होने वाली है। ओके सो जल्दी कर रहा इनू मैं। 6 का की आ गया? 1 2 3 4 5, उस तो बाद की आ गया? 6 आ गया, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इको नाल दे, तो 4th क्वेश्चन अपना थोड़ा जा जल्दी करांगे। 7 का की आ गया? 1 2 3 4 5 6 ते 7 आ गया। उस तो अगे की आ गया? 5 आ गया, 1 2 3 4, ये की आ गया? 5th। लास्ट विच 7 है, 1 2 3 4 5 6 ते 7। तो यह बन गई अपने को फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्वेश्चन नंबर 3 दे ली। ओके तो पूरी एक्सरसाइज 15.1 अपनी खत्म होगी। नेक्स्ट कल आप स्टार्ट करांगे एक्सरसाइज 15.2। ओके बिल्कुल सिंपल जी एक्सरसाइज है, नोटबुक के उपर तुसी कंप्लीट करनी है, पर एक पूरा काउंट जरूर कर लियो, क्योंकि हो सकता है मेरे को कोई ना कोई मिसटेक होगी हो, किसी ना किसी काउंटिंग करते हैं। ओके तो तुसी मिस्टेक नहीं करनी, तुसी बिल्कुल सीरियस होके आराम नाल करने हैं काउंट करके। ओके डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल यूज कर सकते हो जेकर तुहानूं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो नेक्स्ट कल, कल दी लाइव क्लास 10:40 से सेम आपां करांगे एक्सरसाइज 15.2।